हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस इस वक्त देख लीजिए, मैं पल्ली लेकर चला हूँ बकरियों के लिए चारा लेने। चारा ही पत्ते तोड़ने जा रहे हैं गाइस इधर से। तो गाइस कल के लिए सॉरी, कल कोई भी ब्लॉग हम आपको दे नहीं पाए क्योंकि गाइस कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। आप लोगों को पता ही है कि जब आदमी जब बिजी हो जाता है तो काम दूसरा करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए गाइस कल नहीं दे पाया ब्लॉग। तो चलो आज मैं आपको ब्लॉग दे रहा हूँ। तो गाइस ये देख लीजिए, हम लोग इधर से मैं अकेला इधर से जा रहा हूँ और वहाँ से हमें पत्ते तोड़ने हैं। ये देख लीजिए गाइस, इधर धान के बीचों बीच होते हुए इधर से जा रहे हैं हम। ये देख लीजिए सामने में जो पेड़ है, यहाँ से हमें पत्ते तोड़ने हैं टहनियाँ। तो चलो देखते हैं। गाइस आप धान का देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे और बढ़िया सा फ्लावर टाइप लगा है धान, और काफ़ी गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर से देख सकते हैं आप कि देखने में कितना हरा भरा हो चुका है, क्योंकि गाइस बारिश हुई पड़ी है तो इसलिए जो है मिट्टी के कण वो नीचे गिरे हुए हैं, तो इसलिए आकाश बिल्कुल साफ़ है। टुडे इज़ क्लियर स्काई, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैस पल्ली रख दिया, अभी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा भाई, दूर है थोड़ा इस करके। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे धान के बीचों बीच जा रहा हूँ, अभी पत्ते तोड़ने हैं गाइस, इस करके मुझे जल्दबाजी में पत्ते तोड़ने हैं। और मुझे शहर के लिए भी जाना है भाई, आज सामान लाना पड़ेगा घर के लिए, तो इसलिए मुझे शहर भी जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो हम फाइनली पेड़ तक पहुँच चुके हैं, अब इसके थोड़े बहुत पत्ते तोड़ते हैं और लेकर चलते हैं बकरियों के लिए, बेचारियों के लिए, वो भी भूखी हैं। वैसे तो मैंने पत्ते उनको डाल दिए थे। चलो इधर से तोड़ते हैं गाइस। फाइनली हम लोग पेड़ के पास पहुंच चुके हैं, और गाइस इधर देख लीजिए कितना बड़ा खड्डा है। ये देखिए गाइस, वो जो आप खड्डा देख रहे हैं उसमें कुत्ते रहते हैं। और चलो ये पत्ते हम तोड़ेंगे, ये देख लीजिए ये वाला तोड़ते हैं फिलहाल। तो गाइस ये वाला पत्ते तोड़ेंगे ऐसे खींच कर। तो ये देखिए गाइस, तोड़ कर पूरा रखे जाएंगे यहाँ पर। अभी बात चलो गाइस, थोड़ा मैं पत्ते को तोड़ लेता हूँ, तोड़ने के बाद फिर चलते हैं वापस जाएंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा काम कर लेते हैं। सो गाइस चलो देखते हैं, थोड़ा काम करते हैं गाइस। यहाँ पे पेड़ के पास आकर बिल्कुल हरा भरा है, और इधर देख लीजिए आप मौसम कितना क्लियर हुआ है। और गाइस चिड़ियों का चहकना कितना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो चलो हमने तो फ़िलहाल पत्ते तोड़ने हैं थोड़े से, और चलो थोड़ा तोड़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने पत्ता तोड़ लिया मैंने, और गाइस ये देख लीजिए पत्ता यहाँ पर तोड़ लिया है भाई, बहुत मेहनत लगी तोड़ने में। और ये देख लीजिए पूरा पूरा ही तोड़ लिया है पत्ते को इधर से। और ये देख लीजिए गाइस, ये है यहाँ का खड्डा बिल्कुल ओके हुआ पड़ा है। तो चलो गाइस ज़्यादा देर नहीं करना है क्योंकि शहर के लिए लेट हो जाएंगे, पहले इसे चलते हैं रख के आते हैं। तो चलो तो गाइस ये देख लीजिए, मैंने पत्तों को उठा लिया अपने कंधे पर, और ये देखिए पीछे टूटता हुआ आ रहा है। और चलो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं, बहुत ही थकान सी हुई पड़ी थी सो सो कर। चलो गाइस, वैसे गाइस इसका भार देख लीजिए कितना ज़्यादा है, आगे में ये पूरा
और जो पेड़ था वही टूट गया, तो मैंने भी इसे वैसे ही पल्ली पर बांध लिया और फिर मैंने कहा चलो ले जाएंगे, शायद अपने बालन के काम आ जाए, क्योंकि चलो आग में जलाकर अब जैसे आगे सियाल का मौसम है तो आग सेकने में मज़ा आएगा, तो मैंने इसलिए तोड़ लिया। मैंने बोला चलो कोई ना कोई काम आ ही जाएगा गाइस। बाकी भाई मेहनत तो गाइस कर रहा हूँ, काम तो काफ़ी ज़्यादा, अभी देखो ये देखिए गाइस शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मैं अभी तक यहीं पर हूँ। शहर के लिए लगता है मैं लेट हो जाऊँगा, बट कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो चलो गाइस चलते हैं पहले, ये देखिए तो गाइस ये देख लीजिए बकरी को पहले से पत्ता डाला था, खा चुके हैं, हम इसे भी रखते हैं। ये देखिए गाइस पत्ते हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, अब एक दो पत्ते बकरियों को डाल देते हैं। लो भाई खाओ ऐश करो। तो गाइस देख सकते हैं कैसे कैसे खा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, भूखे थे बेचारे, मुझे इनका भूख बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैं जाकर पत्ते मैंने बोला पहले लेकर आते हैं, शहर बाद में जाएंगे। इनको भी देते हैं चारा में मिलाकर, और ये देख लो हमारी मोती गाय को, इसको भी देते हैं, कोई बात नहीं दूध भी दूह लेंगे, पहले तुम्हें चारा देते हैं। ये देखिए चारा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था बट थोड़ा ही था। सो तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं गाय को चारा डालकर मेरा हाथ कैसा हो गया। सो हम लोगों ने सभी को चारा भी डाल दिया। तो गाइस आज ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जरूर देखते रहिएगा, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।